नमस्कार, मैं हूं अनुराग मालवीय और सत्ता के संग्राम में आज नरसिंहपुर का मिजाज जानने के लिए INS 24/7 की टीम पहुंची है नरसिंहपुर, और आज फिर जानने की कोशिश करेंगे इस हाई प्रोफाइल सीट पर क्या माहौल है, क्योंकि हम बता दें कि यहां मुकाबला बहुत ही हाई प्रोफाइल प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के सामने। अगर बात करें तो लाखन सिंह है कांग्रेस से, और बाइपोलर यहां पर अगर देखें तो तस्वीर है, सिर्फ दो ही पार्टियां यहां चुनावी मैदान में है, ना ही कोई और प्रत्याशी को बहुत मजबूत कहा जा रहा है। चलिए मेहमानों से परिचय कराते हैं जो हमारे साथ सामने खड़े हैं। मनमोहन सिंह बट्टी जी सलूजा भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, नरेंद्र अवस्थी जी कांग्रेस से नेता हैं, दीपक श्रीवास्तव जी हैं हमारे साथ में, और देवेंद्र पाठक जी हैं। चूंकि नरसिंहपुर किसानों का शहर जिला है, शहर की बात करें तो यहाँ पर उस तरह का शहरीकरण नहीं हो पाया, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो या भाजपा की, विकास की दरकार इस शहर को हमेशा रही है, लेकिन चूंकि कमान फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के पास है, शुरुआत यहीं से करते हैं। सर, आप खुद कितना संतुष्ट हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक के, प्रदेश की, केंद्र की, ये सब जो डबल ट्रिपल इंजन की सरकार है उसके कार्यकाल से, नरसिंहपुर के लिहाज से? देखिए भाई साहब, मैं सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहूँगा कि देश में पहली बार 2008 से विकास आधारित चुनाव हुए हैं। इससे पहले मुद्दों पर आधारित चुनाव हुए थे। 2003 से 8 के बीच में जो हमारी सरकार चली तो उसके आधार पर 8 में हमें जनादेश मिला, उसके बाद 13 में हमें जनादेश मिला, उसके बाद 18 में वोटें हमें अधिक मिली। जो जनादेश मिल रहा है, मोदी जी को 2014 में केंद्र में जनादेश मिला, उसके बाद 2019 में जो आपने देखा जो जनादेश मिला वो कार्य के आधार पर, विकास के आधार पर मिला। विकास से पूर्णतः जनता संतुष्ट है, तभी बार बार हमारी सरकारें चुन रही हैं, और आने वाले 2023 का जो विधानसभा चुनाव है इसमें भी हमें विकास के आधार पर ही मतदान होगा, और हमें पूर्ण बहुमत की 170 से लेकर 180 सीटों की सरकार मध्य प्रदेश में बनने जा रही है। ये जो 170 सीटें बता रहे हैं वो तो प्रदेश का आंकड़ा हो गया, इस जिले की बात करें, इस विधानसभा की बात करें, क्या होगा और क्यों होगा? इसलिए होगा कि आपने ही कहा अपने प्रस्तावना में कि बड़ी हाई प्रोफाइल सीट हो गई है, तो आप सब साथी हमारे नरसिंहपुर शहर के ही हैं। 2003 में भी हम भी लड़े थे कांग्रेस से, हाई प्रोफाइल नेता थे हमारे पास अजय कर्नल अजय नारायण मथुरान, पर इस शहर के युवाओं ने, इस शहर के किसानों ने और एक समाज विशेष ने एक नए प्रत्याशी को समर्थन दिया। उस नए प्रत्याशी ने 20 साल में इस जिले को कुछ अपना, ना नौजवानों को, ना युवाओं को और ना किसानों के हित में कोई काम नहीं किया, ये इस विधानसभा की गवाही है। 2023 में उसी वर्ग से एक लाखन सिंह नाम का एक हमारा कांग्रेस का प्रत्याशी निकला है, और दे रहे हैं। ये चुनाव तो पहले भी हो चुका था इसी प्रोफाइल का, निश्चित हो चुका था, पर कुछ कमियां रही थी। चलिए हमारे साथ में सीनियर जर्नलिस्ट हैं दीपक जी, ये बताइए सर इतने दावे प्रतिदावे किन? देखिए, नरसिंहपुर जिले का राजनीतिक इतिहास बड़ा अलहदा है, ये सही बात है कि यहाँ प्रत्याशियों के बीच चुनाव हुआ है, और यहाँ जातिगत समीकरण ये हमेशा महत्वपूर्ण मुद्दे रहे हैं। 2003 में यहाँ मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री रहे हैं स्वर्गीय अजय नारायण मिश्रान, वो एक बड़े कद्दावर नेता माने जाते थे, वो यहाँ से उन्होंने चुनाव हारे थे वो, तो ये चुनाव अपने आप में इसलिए अनूठा और अलहदा हुआ है क्योंकि भारत सरकार के एक बहुत ही कद्दावर मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल और कांग्रेस का एक साधारण कार्यकर्ता जिसको कांग्रेस, इन दोनों के बीच मुकाबला है। तो अभी जनता जनार्दन के बीच तो बहुत से मुद्दे हैं, लेकिन जो चुनाव है उसको हम एक तरफा नहीं कह सकते, कहीं ना कहीं ये बात आती है कि चुनाव कठिन है दोनों पार्टियों के लिए। चलिए थोड़ा सा रुक करते हैं किसानों की बातों की तरफ, क्योंकि किसान ही यहाँ का सबसे बड़ा वोटर है, और यहाँ की पूरी जो आर्थिक स्थिति है इकोनॉमी वो किसानों पर आधारित होती है, और इकोनॉमी ही चुनाव परिणाम भी बहुत कुछ तय कर देती है। किसान कितना संतुष्ट है फिलहाल किसी भी लिहाज से देखें, सरकार किसी की हो, लेकिन जो रीतियाँ नीतियाँ, मौसम, फसल, खाद, बिजली, क्या स्थिति है? देखिए, किसानों की स्थिति के बारे में तो साफ साफ ये इससे पता चल सकता है कि हम किसानों ने बिना किसी राजनीतिक दल के यहाँ पर 5 आंदोलन इसी वर्ष किए हैं। एक गन्ना फैक्ट्री पैसे खा गई लोगों के, एक डैम बन रहा है जिसमें कहते हैं कि 1 इंच जमीन नहीं जा रही है, उस डैम की स्थिति यह है कि एक गाँव के गाँव की जमीन जा रही पूरी, लेकिन उन्हें यह पता नहीं है कि हमें मुआवजा क्या मिलेगा। साथ साथ यहाँ पर जो मंडी है
एक फरमान आता है, वर्तमान में किसानों को खाद बीज के लिए अपने अनाज बेचने की आवश्यकता है, एक फरमान आया है 18 नवंबर तक मंडियों को बंद कर दिया गया है यहाँ की, और किसान को कह दिया गया है कि आप जैसे चाहें वैसे अपना अनाज बेच लें। आप बताइए वो किसान कहाँ जाए एक बोरा अनाज लेकर के, वो करेली जाए वहां तक का भाड़ा कौन देगा, वो गोटे गाए वहां तक गांव जाए वहां तक का भाड़ा कौन देगा, और यदि कोई भाड़ा नहीं देगा तो घर में वो किस रेट पर अपना अनाज बेचेंगे, कितने सेट वहां पर उनके एक बोरा अनाज के लिए उपलब्ध होंगे, ये प्रश्न खड़ा हुआ है। इस पर बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है। उस किसान की आय दुगनी करने का जो वादा किया था, आज किसान दूनर हो गया है, उसकी आय दूनर की तो कोई संभावना कहीं से दिखती नहीं है। दूसरी तरफ विपक्ष का जो रवैया है, वो किसान के प्रति जो शुगर मिलों ने पैसा खाया है, जो डैम की स्थिति है, तो शुगर मिलों के पैसा खाने के खिलाफ कोई आंदोलन किसी भी विपक्ष का नहीं हुआ है, और हम चाहते थे कि विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों हमारे साथ आकर के उन मिलों के खिलाफ जाएं। लेकिन यहाँ पर बात होती है रेत माफियाओं की, लेकिन शुगर माफियाओं की बात नहीं होती। ये जिला ग्रप्त में आ गया है शुगर माफियाओं के, और हम चाहते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति आए जो इन शुगर माफियाओं से किसानों को मुक्त कराए। चलिए मुद्दों की बात करते हैं। ये हम तो सोच रहे थे दूर से कि बड़े सुहावने हैं यहाँ के ढोल, लेकिन बड़े अलग नज़र आ रहे हैं। आदरणीय बड़े भाई जो कह रहे थे, तो उनको जानकारी होना चाहिए कि जो मंडी की बात कर रहे हैं वो हमारे विधायक जी विगत 6 महीने से ये बात उठा रहे हैं, और अब तो आचार संहिता लगी है। कलेक्टर मैडम को कल भी उनने एक पत्र लिखा है कि किसानों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए मंडी का आधा हिस्सा खुला रखा जाए। दूसरी बात, बड़े भाई ने जो बोला डैम बन रहा है, या तो वो अपने नॉलेज में सुधार कर लें या पता कर लें, वो बैराज बन रहा है और उसमें ज़मीन नहीं डूब रही है। इतने दिन से डैम का काम चल रहा है, आप बताइए कहाँ किसी की ज़मीन डूब रही है। और हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और हम लोग विकास पर चुनाव लड़ रहे हैं, और दूसरी तरह कांग्रेस पार्टी है जिनके पास कोई विजन नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। गुंडागिरी भी वो कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ताओं को डराने धमकाने का प्रयास किया गया है उनके द्वारा, चाहे वो हमारे ग्वारी की घटना हो चाहे बरमान की घटना हो, मीडिया में वो पूरी प्रचलित है। भारतीय जनता पार्टी के लोग सही में डरे हुए हैं कांग्रेस के प्रत्याशी से और नेताओं से? भारतीय जनता पार्टी के लोग ना कभी किसी से डरे हैं ना डरेंगे। ये जो हमारे मीडिया प्रभारी जी अभिनव जी बात कर रहे हैं, ये आम जनता का विषय है, ये आम जनता का विषय है और ये सार्वजनिक घटना है, जनता जवाब देगी आपको जी। चलिए थोड़ा इधर रुक करते हैं। ये आप लोग चुनाव जो जीतने की बात कर रहे हैं या किस तरह से चुनाव जीतेंगे, क्योंकि जितना बड़ा कद प्रहलाद पटेल का है वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं लगातार उनका परिवार चुनाव जीतते भी आ रहा है, तो ये मुश्किल चुनाव नहीं आप लोगों के लिए? हमारी नरसिंहपुर की सर्वमान्य पब्लिक और जो जनता है वो सर्वमान्य हमारे लिए, और नरसिंहपुर में आप देखें कि 15 या 18 साल में क्या विकास हुआ, नरसिंहपुर जीरो है। और बात रही बड़े चेहरे की, बड़े चेहरे पे कोई चुनाव नहीं जीता जाता, मैं बार बार ये बात कहता रहा हूँ, चुनाव जीता जाता है बेरोजगारी हो, आपने लोगों के बीच में क्या किया, आपने गरीबों के बीच में क्या किया, आपने किसानों के बीच में क्या किया, आपने कितनी कॉलेज नरसिंहपुर में कितनी सुविधाएं दी, आपने कितने अस्पताल खुलवाए, आपने कितने मेडिकल खुलवाए, इस चीज़ पर चुनाव जीता जाता है, ना कि बड़े चेहरे पर। जो पब्लिक मन बना बैठी हो, और 2023 में पूर्ण तरीके से हमारे प्रत्याशी श्री लाखन सिंह पटेल जी को विजय बनाने जा रही है। चलिए इस तरफ भी आते हैं। ये बड़ा कंफ्यूजन है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में, मुद्दों की बात करें क्या आवश्यकता है नरसिंहपुर की? मुद्दों की बात करें तो नगर में विकास के काम लंबित हैं, चल भी रहे हैं, और योजनाओं का लाभ सबको मिल भी रहा है। भाजपा की योजनाओं का लाभ पूरी विधानसभा में मिल रहा है, अभी अभी लाडली बहना का लाभ मिल रहा है। चलिए, कितना योजनाओं का लाभ मिल रहा है नरसिंहपुर के लोगों को? योजनाओं का लाभ तो भैया नहीं मिल रहा है, हमारे यहाँ 4 सांसद हैं, 4 सांसद हैं प्रेजेंट में, चारों के चारों का एक भी काम नहीं है, 4 सांसद का एक भी शिलान्यास नहीं है। प्रहलाद जी कितने साल से हैं सांसद, कितने साल से हैं, उनका गृह जिला है ना, क्या दिया उनने, सुनना मेरी बात। हमारे रावोदय प्रताप हैं, उनका भी कुछ पता नहीं है, है क्या? युवा की स्थिति देखें आप, पूरे जुआ सट्टा वाले जितने गेम हैं पूरे नरेंद्र मोदी शासन में चालू हुए हैं, पूरे सबरे टोटल उनने टोटल उद्योग बना के रखे हैं, और नरसिंहपुर की स्थिति तो बहुत खराब है।
जी वापस आता हूँ एक बार। हाँ आम पब्लिक के ही पास आऊँगा मैं, आम पब्लिक के। आप कुछ बोलना चाहते हैं जी? थोड़ा आराम से, हाँ यहीं से बोलिए। भैया जैसो गरीब व्यापार काम कर रहा है मजदूर भी आदमी, ठीक है, उनके पास कछु नहीं है। जैसे तो 200 रुपये कमा रहा है, 250 कमा रहा है, उनके पास हम खुद काम छोड़ कर रहते हैं पब्लिक में तुम बीच में। ठीक है, ठीक है, चलिए भाई साहब कुछ जो स्थानीय समस्या है उनके संदर्भ में बात करते हैं। ये कब तक के समस्या से रेलवे एक आपका जो टू बर्ड्स लखनऊ जाते हैं वो भी मोदी जी का कहना है कि मानव रहित सारे रेलवे फाटक बंद किए जाएं, कहीं रेलवे फाटक की आवश्यकता नहीं, हर जगह ओवरब्रिज बन रहे हैं, ट्रैफिक की सुगम व्यवस्था हो रही है। कांग्रेस शासन में यहां से जबलपुर जाने में 6 घंटे लगा करते थे, आज 1.5 घंटे। आप भोपाल से आए होंगे, मेरे को लगता है 3 घंटे में भोपाल से आ गए होंगे, नहीं तो भोपाल यहाँ से जाने के लिए कोई सोचता नहीं था। रात को गाड़ी से रिजर्वेशन कराता था, 12 घंटे में जाके भोपाल पहुँचता था। ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो योजना है उसकी देन है नितिन गडकरी जी की, कि आप 3 घंटे में यहां आ गए भोपाल। मेडिकल कॉलेज जो है कांग्रेस के शासन में 2003 में मात्र 3 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे प्रदेश में, आज 25-26 मेडिकल कॉलेज। नरसिंहपुर में भी खुलने जा रहा है, जगह स्वीकृत हो चुकी है और जल्द से जल्द मेडिकल कॉलेज हर जिले में खुलने वाला है। अभी यहाँ तक मंडी की बात की, आप मेरी मंडी की समस्या के बारे में सुन ले। मेरे भाई शायद 20वीं शताब्दी में जी रहे हैं, मेरे छोटे भाई हैं देवेंद्र पाठक जी, ये कह रहे हैं कि किसान कहाँ माल बेचेगा, ये आ गया है आज। ये हर व्यक्ति को मालूम है कि बॉम्बे में क्या रेट बिक रहा है, हैदराबाद में क्या रेट बिक रहा है। हमारे धमने का किसान को मालूम है कि मक्का वहाँ क्या भाव बिक रहा है, उससे 10-20 रुपए कम मंडी ने व्यवस्था की है। सौदा पत्रक कटेगा, तुरंत किसान के घर से माल तुलेगा। इनके जमाने में इतने अधिक नियम कानून हुआ करते थे कि केवल मंडी में 10 व्यापारी, आज 100 व्यापारी खरीद। जी चाचा जी ने जो बोला कि किसानों के लिए बहुत व्यवस्था की है, आज चाचा जी आप मंडी गए, किसानों को देखने मंडी गए, 4 दिन लग रहे हैं मक्का बेचने में, आप मंडी जाकर देखो किसान की क्या हालत है। जी अभी जो है किसानों को डीएपी नहीं मिल रहा, किसानों को यूरिया नहीं मिल रहा। प्रहलाद पटेल जी इसलिए आए हुए हैं कि उन्हें लगता था कि उनके छोटे भाई बुरी तरह हार जाएंगे और वो खुद भी डरे हुए हैं, इसलिए अभी इस्तीफा नहीं दे रहे कि भाई जैसे यहाँ हार भी गए तो कम से कम केंद्रीय मंत्री बने रहेंगे। उनके मन में संशय है हार का, इसलिए वो पद से इस्तीफा दिए बिना चुनाव लड़ रहे हैं। जी किसान बड़े परेशान हैं, ये कहा जा रहा है किसान समय के हिसाब से जो समस्याएं आती उनका समुचित निदान भी होता है। यदि आप किसान परेशान की बात कर रहे हैं तो आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि मध्य प्रदेश ने 7 बार लगातार कृषि कर्मण अवार्ड जीता है। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसमें 18% कृषि विकास दर रही है, 0% पे किसान को ब्याज मिलता है, किसान सम्मान निधि 6,000 रुपये केंद्र के द्वारा और मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा 4,000 रुपये दी जाती है। ये कांग्रेस के लोग ये बताएं, कांग्रेस के लोग बताएं, जब किसान सम्मान निधि देने की बात आई तो 14 महीने की सरकार में आपने तो सूची भी उपलब्ध नहीं कराई, किसान उस समय परेशान हुआ था, इस बात का जवाब आपको आज जनता मांगती है। जी ये तो बड़ी बहस है किसानों के हालात को लेके। देखिए 7 बार किसी कर्मण अवार्ड इन्होंने जीता है, तो ये कैसे जीता है इसका तो मेरे पास प्रमाण नहीं है, लेकिन जमीन पर हमारे माननीय सलूजा जी अभी हमारे बड़े भाई हैं बोल रहे थे कि ये मैं 20वीं शताब्दी में जी रहा हूँ, ये इंडिया में जी रहे हैं और किसान भारत में जी रहे हैं। भारत के किसान आज भी अपनी जड़ी पर काम करता है, मोबाइल चलाने की क्षमता हर किसान के पास नहीं है कि वो अपना अनाज बेच दे। और उसके बाद हमारे छोटे भाई शर्मा जी बोल रहे थे कि मेरा मुझे ज्ञान बढ़ाना चाहिए, मैं डैम और बैराज में फंसना नहीं चाहता, मैं वहां के विस्थापित लोगों के लिए स्पेशल पैकेज की मांग कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि बांध ना बने, बांध बने, लोगों को उसका लाभ मिले। और मैं आपकी हमारे भाई साहब जो की हैं नेमा जी, इनकी बात करता हूं, आप एक बार
5 क्विंटल चना निकलते हैं, आप 14 क्विंटल चना का वहां से अवार्ड लेकर के आते हैं, ये कैसे सिंह जान सकते हैं और आप जान सकते हैं? एक बार वापस आऊंगा आपके पास, बहुत देर से आपके पास नहीं आया सर। कुछ चीजें तो बिल्कुल सच है, सड़कें बेहतर हो गई हैं, विकास शहरों में दिखता है। नरसिंहपुर में कितना नजर आता है दूसरे शहरों की तुलना में? अरे भाई, नरसिंहपुर नगर पालिका मुख्यमंत्री जी ने दिया था, जिस नगर पालिका अध्यक्ष को उन्होंने मंच पे नहीं बैठा ला, नरसिंहपुर शहर में आए थे अभी एक सप्ताह पहले, नकली अवार्ड दे दिया था। शहर की बात करते हैं, क्या स्थिति है स्वच्छता की, सफाई की, ट्रैफिक की? स्वच्छता और सफाई की स्थिति, नगर पालिका के कर्मचारी और सफाई कर्मचारी, सही कहा हमारे बड़े भाई ने, महीनों महीनों पेमेंट नहीं होती है और यहाँ पे खड़े हैं तो आप अपने आजू बाजू ही देख लीजिए कि सफाई का स्तर नगर पालिका में क्या है और कब कब नालियां साफ होती हैं। जितने पार्षद, जितने नगर पालिका अध्यक्ष सब घरों में बैठे हैं, ना तो वार्डों में कोई सफाई होती है, सफाई का स्तर और सबसे निम्न स्तर है यहाँ पे। शहर के क्या हालात? शहर के हालात ये हैं, जो बेशर्मी से कहते हैं ना विकास विकास, इतवार बाजार में देखिए आपको सफाई का भी पूरा नतीजा मिल जाएगा, 5 मिनट लगेंगे वहाँ का विकास आपको समझ में आए, कचरा गंदगी नाली कीड़े कचरा इतनी दुनिया में कहीं नहीं होगा जो नरसिंहपुर में है। और ये लोग कहते हैं ना वहाँ चिनकी की, जो लिखित में दें कि वहाँ किसी की 1 इंच जमीन नहीं डूबे है, लिखने वाला दे कोई माइक लाल नहीं है। एक बार वापस आऊंगा, एक सवाल आपसे है, जब इतने खराब हालत होते हैं तो फिर जीतती क्यों है भाजपा? फिर अवैध गतिविधियों के, अनैतिक गतिविधियों के कारण संरक्षण दिया गया है में। इस जिले में रेत, अवैध जुआ, अवैध शराब के व्यापार चले हैं अवैध, उसके कारण एक गिरोह बनते हैं, जैसा हमारे किसान भाइयों परेशान, एक माफिया जब डेवलप हो गया शुगर लाबी में, गन्ना लाबी में, मंडी में सक्रिय है, इसके कारण मिल से बिल्कुल हमारे नेता है, उसका 1 रुपया किसी का बाकी नहीं रहता, शुगर मिल का, बंसी का शुगर मिल का आज भी। क्या वास्तविक स्थिति है शहर को लेके? ये बड़ा जादू है कि स्वच्छता होती नहीं है और बीजेपी जीत जाती। अनुराग जी, चुनाव हो रहा है जब मीडिया के सामने मुद्दों की बात आ रही है, यदि मुद्दों की बात आ रही है तो कहीं ना कहीं ये सिद्ध लेकिन लोगों में नाराजगी है। मैं बहुत ईमानदारी से कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं तो पत्रकार हूं और पत्रकारिता का धर्म होता है निष्पक्षता की बात कहना। तो ये जो मुद्दों की बात हो रही है, किसान आंदोलन की यदि बात है, तो ये भाजपा भी इस बात को जानती है कि गन्ना को लेकर मध्य प्रदेश में कोई नीति ही नहीं है। जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर तय है, मध्य प्रदेश में गन्ना के रेट रिकवरी के आधार पर तय होते हैं, तो गन्ना किसानों में इस बात को लेकर नाराजगी बनी रहती है। दूसरा, स्वच्छता की यदि हम बात करें या दूसरे अन्य विकास की बात करें, तो विकास तो कांग्रेस के शासनकाल में नहीं हुआ और भाजपा के शासनकाल में भी विकास की जो बातें हो रही हैं वो मुझे लगता है कि वो बहुत बेसलेस बातें हैं, परंतु विकास के मुद्दे पर चुनाव हो रहा है, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा है। मैं आदरणीय बड़े भाई, हमारे पत्रकार बड़े भाई की बात का जवाब देना चाहता हूँ, इनको विकास नजर नहीं आ रहा है। नरसिंहपुर नगर स्वीकृत हो चुके हैं, बन चुके हैं, 3-3 किस्तें डल चुकी हैं। प्रवक्ता जी से पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, इनको विकास नजर नहीं आ रहा है। एक मकान बता दीजिए इंदिरा आवास का, और मैं व्यक्तिगत जाना नहीं चाहता, इनके प्रत्येक नेता का आप लीज की जमीन उठा लीजिए, नरसिंहपुर से लेकर स्टेशन तक 20 जमीनें बता दूंगा मैं शहर के अंदर, जिनमें अनधिकृत तरीके से इनके हजारों लोगों के कब्जे करके रखे हुए हैं, सारी बिल्डिंगें इनकी मिलेंगी, आप जाके देख लीजिए। थोड़ा स्वास्थ्य सुविधाओं पर प्रकाश डालिए, कितनी आपने बढ़ा दी स्वास्थ्य सुविधाएं? आज आप देख लीजिए हमारे यहाँ का जिला अस्पताल, बच्चों के मामले में इतनी बड़ी यूनिट इस जिले में क्या, आसपास के 3 से 4 जिलों में ऐसी व्यवस्था नहीं है। जो ये विकास की बात करते कि छिंदवाड़ा के लोग भी नरसिंहपुर में आके भर्ती होते हैं, ये यहाँ की व्यवस्था है। आदरणीय अभी नरेंद्र भैया बात कर रहे थे कि हमारे मंच पे हमारे शहर के प्रथम नागरिक को नहीं बिठाला, भैया ये हमारे संगठन का मामला है, भैया हमारे वहाँ पर थे उस दिन, उस सभा में मौजूद थे, यदि आपकी ऐसी स्थिति थी तो आप क्यों निर्दलीय लड़े, ये आपके संगठन से पूछ लो, आप निर्दलीय लड़े हो, आप निर्दलीय पार्षद का चुनाव लड़े थे आप। वापस आता हूँ मैं जी, ये कह रहे हैं निर्दलीय की बात है, तो इनके जो अभी हमारे प्रत्याशी हैं
उनने भी एक बार नगाड़ा से चुनाव लड़ लिया है, उनकी आस्थाएं कहाँ से है भारतीय जनता पार्टी में? उन्हें सरकार ने मौका नहीं दिया तो वो चुनाव लड़ने लगे नगाड़ा से। इनने महिला पार्टी दूसरी बना ली थी, इनने तो महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। उमा भारती ने चुनाव लड़के दिग्विजय सिंह जी की सरकार गिराई और अपनी स्थापित की कांग्रेस भाजपा की सरकार, लेकिन इन लोगों ने अपने पार्टी की बड़ी महिला से ही धोखेबाजी करके आज कोई बता दे कि उमा भारती जी कहां पर हैं। जी कांग्रेस से भाजपा में जाने वाले जितने भी नेता हैं वो वहां जाके मंत्री बन जाते हैं, ये बेचारे फट्टे उठा रहे हैं। रमाकांत ने, नीरज ने जो बात स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर कही है, क्योंकि स्वास्थ्य तो एक ऐसा विषय है, ये राजनीतिक विषय तो है, हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, तो इसमें मुझे लगता है कि कोई राजनीतिक बात नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस की सरकार रही हो या बीजेपी की, स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति ऐसी है कि यहाँ एक्सरे मशीन है लेकिन एक्सरे मशीन पे काम करने वाले लोग नहीं है। रमाकांत जी जरा मुझे लगता है आप थोड़ा मुझे ये बताएं, रमाकांत जी एक एमडी मेडिसिन बताइए, दो सरकारें हैं, देखो क्या है, अध्ययन का अभाव है, एक एमडी मेडिसिन हमारे यहाँ नहीं है, ये बड़ी बात होती है कि हमारे एमडी मेडिसिन नहीं है, तो स्वास्थ्य सुविधाओं में कोई बहुत विकास तो यहाँ हुआ नहीं है दोनों पार्टियों में। हाँ जी जी देखिए हमारे यहाँ पे सबसे पहले आयुष अस्पताल बना 50 बिस्तरी, आप जिला अस्पताल जाइए 300 बेड का अस्पताल बना है, एसएनसीयू वार्ड है, ट्रॉमा सेंटर है, सीटी स्कैन है, आईसीयू है, आप जाके चेक तो कर लीजिए। करेली में सिविल अस्पताल बन रहा है, सुआ तला में बन रहा है, हर गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और आरोग्य केंद्र बन रहे हैं, आप कैसे कर, और भविष्य के लिए हम लोग दूरगामी सोच के काम करते हैं। यहाँ पे देवरी कला के पास 26 एकड़ जमीन चिन्हित हो चुकी है मेडिकल कॉलेज के लिए, हम इनके जैसे थोथी बातें नहीं करते हैं कि 55 साल राज किया और कुछ किया नहीं। चलिए हमारे साथी गणेश हमारे साथ में है, हमारे स्थानीय नरसिंहपुर ब्यूरो, उनसे बात करते हैं, ये जो 3-4 मुद्दों पे बात हो रही है हालात क्या है, स्थिति क्या है? हालात तो आप भी कल से नरसिंहपुर में हैं देखने को मिल रही होगी आपको, क्या जो नरसिंहपुर विकास की बात कर रहे हैं, आप विधानसभा की बात मत करो, नरसिंहपुर की बात कर लो। नरसिंहपुर में जो चैम्बर बने हैं वो एक फुट ऊपर बने हैं, पूरा शहर खोद दिया, लेकिन कोई ना पक्ष का बोलने वाला ना विपक्ष का बोलने वाला है। और रही बात मुद्दों की, तो यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है, अवैध उत्खनन का है, अवैध व्यापार का है, लेकिन इस पर कोई नहीं बोलता, सब मिलीजुली सरकार चल रही है। और सबसे बड़ी बात है नरसिंहपुर में यहाँ पे समझौता एक्सप्रेस चलता है भाजपा कांग्रेस का, ये यहाँ की मेन समस्या है। ये मैं वापस आऊँगा एक बार फिर से दीपक जी आपके पास में, ये चक्कर क्या है भाई साहब, आप खुद भी निर्दलीय लड़ लिए थे और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी की हालत संगठन की इस जिले में ये है कि नगाड़ा पे अंगूर भारी, अब तो सिर्फ पंजा पे एक ही भारी। आप सभी कार्यकर्ताओं को, मैं साथी है मेरे, लेकिन मैं ये इसमें संकेत में सब समझ गए होंगे क्यों भाई रमाकांत बढ़िया है। अब चलिए थोड़ा सा मैं जिले की बात कर लेता हूँ, ये शेखर चौधरी जी के साथ क्या हो रहा है? शेखर चौधरी जी हमारी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी घोषित होने के बाद दूसरी सूची में उनका नाम कट के पूर्व हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी को नाम आ गया था और वो फॉर्म भरे हैं तो उनको निर्दलीय कर दिया गया है। अब चलिए वो तो निर्दलीय हो गए सर, ये आप बताओ ये इतना भयंकर कितना डर था नरसिंहपुर जिले में भाजपा को, दो दो सांसदों को उतार दिया। देखिए मैं स्पष्ट कर दूं, ये हमारी नीति है, आज वर्ल्ड कप चल रहा है, वर्ल्ड कप में जो हमारे कप्तान है रोहित शर्मा वो किस बॉलर से, स्पिनर से स्टार्ट कराएंगे, बॉलर से स्टार्ट कराएंगे, ये वो निर्णय लेंगे रोहित शर्मा। हमारा नेतृत्व आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय मोदी जी, आदरणीय नड्डा जी आदरणीय निर्णय लेंगे कि हमको किसको कहाँ लड़ाना है, किसका उपयोग लोकसभा में करना है, किसका विधानसभा में, कि ये हमास के समर्थक कांग्रेसी ये निर्णय लेंगे कि कौन हमारी पार्टी से कहाँ खड़ा होगा, ये हम निर्णय लेंगे। हमारी नेतृत्व ने निर्णय लिया है कि भाई हमको इस बैट्समैन को पहले खिलाना है तो हम खिला रहे हैं और हमको मैच जीतना है, हमारा उद्देश्य मैच जीतना है। मैंने सुना यहाँ बड़ा गजब होता है, जादू होता है यहाँ पे, संजय शर्मा जी, एमपी प्रजापति जी, उदय प्रताप सिंह, जालम सिंह पटेल, ये सारे नेता जो हैं, तुम वहां से जीत लो, हम वहां से जीत लेंगे, हम वहां से जीत लेंगे, हम वहां से जीत लेंगे, पब्लिक खत्म।
बिल्कुल बिल्कुल, ये बात जो है ना, मुझे लगता है ये जितने युवा साथी मेरे खड़े हैं, और चूंकि राजनीतिक रूप से यदि मैं बात करूं तो इन युवा साथियों को मैं ये कहना चाहता हूं कि थोड़ा ऊपर भी देखना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे भाजपा के हों। ये बात बिल्कुल सही है, ये जो समझौता एक्सप्रेस की बात है, जो मुद्दे होते हैं जिन पे को समझते हैं तो अपने नेतृत्व का विरोध नहीं करते। इसलिए ये जो आप कह रहे हैं कि संजय शर्मा जी आप वहाँ से आइए, एनपी जी आप यहाँ से आइए, ये तो दिख रहा है ना, ये सामने है, इसमें हिडन करने वाली कोई बात नेताओं का विकास होता है, जनता का विकास नहीं होता। ये जो समझौता एक्सप्रेस है, ये चार पांच बड़े नामों की, इसके बीच में लाखन सिंह जी की पैसेंजर पहुंच पाएगी स्टेशन पे? ये बिल्कुल 20 साल पुरानी एक जोड़ी है, जिले में जो छाई हुई है, निश्चित हम मानते हैं उस बात को। इस बार 2023 व्यवस्थापन एक होती है व्यवस्था, जनता नौजवान सब कांग्रेस के नेतृत्व में व्यवस्था दे रहा है। बड़े बड़े नेता धूल चाटेंगे और लाखन सिंह जैसे जीतेंगे। ये थोड़ा सा मुझे बताइए, ये सुना है कि हेलीकॉप्टर ऊपर उड़ रहा है, जमीन पे नहीं आ पा रहा है, ये बड़ी बात हो रही है आजकल कि जो हेलीकॉप्टर वाले नेता जी हैं वो कह जा रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री हेलीकॉप्टर से उड़ जाएंगे, लाखन सिंह जमीन पे रहेंगे, इस तरीके की बातें भी हो रही हैं। ये इस जिले के लिए गर्व की बात है कि सिर्फ दो नेताओं को हेलीकॉप्टर मिले हैं, एक शिवराज सिंह जी चौहान को हेलीकॉप्टर मिला हुआ है और एक आदरणीय भाई साहब पहलाजी पटेल को हेलीकॉप्टर मिला। वो जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, उनका जो राजनीति की शुरुआत है वो नरसिंहपुर से हुई है। नरसिंहपुर की हर गली हर मोहल्ला बच्चा बच्चा उनको जानता है। आज की जो हमारे समय की पीढ़ी है उनको हम आइडियल मानते थे, वो हमारे यूथ आइकॉन हुआ करते थे, आज उनके ही हम लोगों ने राजनीति सीखी है। तो वो हेलीकॉप्टर पर नहीं हुए, जमीन पर नहीं, जमीन से बहुत ज़्यादा है जमीन पर वो। ये जो नेता जो लाखन पटेल जो आप बता रहे हैं वो 5 किलोमीटर पैदल नहीं चल सकते, ये स्थिति है उनकी। आज जो प्रदेश में जो कांग्रेस का नेतृत्व है वो एक बाहर से आया हुआ शरणार्थी उद्योगपति जो है, जो एक थका हुआ नेतृत्व जिसको बोला जाता है, जिसके ऊपर कालिक पुति हुए, जिसके ऊपर दंगों के आरोपी एक उद्योग। एक बार मुझे ये बताइए कि जमीन पे कौन से नेता नजर आते हैं, क्योंकि आप तो जमीन से ही जो है सब कुछ पाते हैं। देखिए ये चुनाव जो है ये नेता जमीन पे है, हवाई जहाज में है, इसका चुनाव नहीं है, दो विचारधाराओं का चुनाव है। और इनमें दोनों जब भी चुनाव लड़ते हैं तो जीरो से शुरुआत ये लोग कर रहे हैं, लेकिन ये कृषि है करेगा। जो यात्री हैं उनकी सुविधाओं के हिसाब से नरसिंहपुर जिले में सर्वाधिक ट्रेनों के स्टॉपेज ये भाजपा ने कराए जी। ट्रेन अभी आपने प्रश्न पूछा था कि क्या लाखन सिंह जी की पैसेंजर आगे बढ़ पाएगी, तो मैं आपसे कह रहा हूँ रामायण में एक जिक्र है कि रावण रथ व्रत रघुनाथा, राम पैदल थे रावण रथ पे था, लेकिन नैतिकता की जीत हुई। ऐसे ही यहाँ पे नैतिकता की और जमीन पे चलने वाले आदमी की जीत होगी और जो महारथी बने हुए हैं उनकी हार होगी निश्चित तौर पे, आप और हम प्रमाण बनेंगे। दूसरा, ये मेमू ट्रेन की बात कर रहे हैं, पैसेंजर गाड़ी है वो और किराया एक्सप्रेस का है, बैठने जगह नहीं है, आपकी शटल बंद, पैसेंजर गाड़ियाँ बंद करके VIP गाड़ियाँ कर रखी हैं, लोग बैठ नहीं पा रहे हैं। इनका जो है इनके आँखों पर एक पट्टी चढ़ी हुई है,
ये इनमें से 90% बेरोजगार हैं। इनके पास 90% बेरोजगार हैं, अपने घर से पैसे लेके निकले हैं ये, दिन में 100 रुपए खर्च करेंगे और यहाँ हल्ला गुल्ला करके घर चले जाएंगे, घर की रोटी फिर खाएंगे। हम ये बताना चाह रहे हैं, जो लोकसभा का कार्यकाल अभी उनका डेढ़ साल बचा है प्रत्याशी का, जो अपनी लोकसभा छोड़ के विधानसभा लड़ने आ गए, वहाँ की पब्लिक का क्या होगा भैया? ऐसी कई सीटें छोड़ के आप आओगे जी? ना ही भैया, युवाओं के लिए यहाँ पर जो है वो शिक्षा के लिए कोई अच्छी व्यवस्था है हमारे यहाँ पे, ना ही यहाँ पे व्यापार की अच्छी व्यवस्था है। और हमारा ये चुनाव इस बार सिर्फ विकास के लिए है, जो विकास करेगा हम तो उसके लिए वोट करने के लिए पूरा सबको कह रहे हैं जी। आइए, स्टूडेंट है क्या पूछिए, आगे आओ ना। रोजगार के लिए क्या स्थितियाँ हैं? रोजगार की स्थिति क्या है? रोजगार क्या ये दे पाएंगे? हम ही ने दिया ना, भाजपा ही ने दिया। 1 लाख वैकेंसी भर्ती चल रही है और आपने स्टार्टअप दिए, मोदी सरकार ने 90,000 स्टार्टअप्स दिए और इनके समय में 6,000 स्टार्टअप्स थे, 90,000 स्टार्टअप। आज आप करने की कुछ सोचो तो, आपने करने का नहीं है, चिल्लाने की बात है बस। कौन सी योजना चल रही? सीगो पढ़ाओ में कहा चल रहा हूँ भैया ने सब पता, इनकी दुकानों के रजिस्ट्रेशन हो जाता 8,000 रुपये में, 2,000 का काम वाले। अरे हमने भी करवाया आपका बता, हमने भी करवाया, ना कोई काम करवा जा रहा हूँ, ना कोई नौकरी करवा जा, ना कोई ट्रेनिंग, फालतू की योजना चल रही है। 50,000 नौकरी दे, अरे पटवारी घोड़ला, हम तो खुद परीक्षा देंगे, 128 वाले 48 वाले बैठे, 133 वाले वो तो नौकरी पा के बैठे। अरे उल्लू बनाओ जा रहे साहब, भैया आप ही स्टूडेंट हो देख लो, हम लोग हैं नहीं, 7 साल से तैयारी कर रहे हैं, कितने फॉर्म भर चुके हैं, हमें गिनती नहीं है। अरे भैया राजनीति हमने नहीं करी, राजनीति कर दे तो इतने घोटाले, शिवराज सरकार जी की सरकार में नौकरी पाओ आसान नहीं है। रोजगार के क्या साधन है, उच्च शिक्षा के क्या साधन है? रोजगार के साधन पर यदि बात करें तो आप देख सकते हैं, यदि इतने सारे युवा आपके सामने बातचीत कर रहे हैं तो यही रोजगार के साधन है। यहाँ रोजगार के साधनों को लेके कोई बहुत बात नरसिंहपुर जिले में नहीं होती, इतने सारे युवा देखिए आप, भाजपा में भी हैं और यहाँ कांग्रेस में भी हैं, तो रोजगार को लेके तो कोई बहुत महत्वपूर्ण नरसिंहपुर जिले में कुछ हुआ नहीं। हाँ, आंकड़े कुछ भी कह सकते हैं, कांग्रेस और भाजपा शासनकाल की दोनों की यदि हम बात करें, क्योंकि यदि आपको भविष्य का खाका तैयार करना है तो आपको अतीत में जाना पड़ेगा और सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से नरसिंहपुर जिले में रोजगार की संभावनाएं बहुत हैं, लेकिन यहाँ जो भी सत्ता में रहे हैं उन्होंने रोजगार को लेकर कुछ ठोस प्रयास नहीं किए और यही एक कारण है कि इस बार ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश सरकार में एंटी इनकम्बेंसी है जी। आप रोजगार की बात कर रहे हैं, हम पत्रकार जो हमारे बड़े भाई, इनकी बात का भी जवाब देंगे। इन्होंने कहा, हमारे बड़े भाई अजय भैया ने, ये पहले स्वयं बेरोजगार है, चौतरफा पार्टियों में घूम घूम के आज कांग्रेस में है। आप जहां तक रोजगार की बात है, ये बात सही है कि सरकारी नौकरियों का थोड़ा सा अभाव है, व्यवस्थाओं की बात है, लेकिन कौशल विकास योजना है, कई प्रकार के ऋण योजनाएं चल रही हैं, मुद्रा लोन है, प्रधानमंत्री का रोजगार है, आपके मुख्यमंत्री का है, ऐसे बहुत सारे विषय हैं, लेकिन आप केवल विषय को विषय बनाना है। आप पहले भैया अपना राजनीतिक बेरोजगार जो आप हो, अब आप राजनीतिक रूप से कभी सक्षम नहीं हो पाओगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नरसिंहपुर जिले की 4 सीट जीतने वाली है। जल्दी ये इनके समय जो रोजगार की बात हमसे करते हैं, इनके समय सिर्फ एक ही रोजगार चला, ट्रांसफर उद्योग, जो भी इनके नेताओं चला ये तो बेरोजगार रहेगा, क्योंकि ये कार्यकर्ता है, अपने नेताओं से रोजगार तो लेते हैं कम से कम। आखिरी में आते हैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से जीत मिलती है तो क्या बड़ा परिवर्तन आएगा, क्या बदलाव आएगा, क्या हो जाएगा? देखिए, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि परम आदरणीय प्रहलाद पटेल जी जो हैं यहाँ से प्रत्याशी हैं, यहाँ से जो उनको जीत मिलेगी, यदि आदरणीय मोदी जी ने, आदरणीय अमित शाह जी ने, आदरणीय नड्डा जी ने, शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए भेजा है, तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आके घोषणा करके गए हैं कि इस जिले के लिए कुछ बड़ा होने वाला है, मैं तो अपने कांग्रेसी मित्रों से भी निवेदन करूंगा, ये बड़ा कभी कभी खतरनाक भी हो जाता है। नहीं, इस बार जो है 2003 को 2023 दोहराने जा रहा है, जिस तरह से 2003 में भी आपको मालूम हो कि 3 दिसंबर को ही मतगणना हुई थी और 2023 को भी 3 दिसंबर को मतगणना होने जा रही है, और इस मतगणना में 2003 से अच्छे परिणाम आने जा रहे हैं, बहुत अच्छे परिणाम आने जा रहे हैं। और आदरणीय, मेरा तो माँ नर्मदा से यही
विनती रहेगी और मैं समझता हूं हर नरसिंहपुर वासी को करना चाहिए कि 2023 के चुनाव परिणाम के बाद आदरणीय प्रहलाद पटेल जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, मेरी तो यही व्यक्तिगत रूप से कामना है जी। कम से कम बहुत से लोग तो मां नर्मदा के नाम लेना ही बंद कर देना चाहिए अगर नैतिकता है तो। दूसरी बात, अगर हमारे लाखन सिंह जी जीतते हैं तो नरसिंहपुर शहर करेली में जो SDM ऑफिस में, तहसीलदार ऑफिस में, थाने में जो दलालियां चल रही है ना, उसमें 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 जिनकी रोजगार चल रहे हैं वो रोजगार बंद होंगे, ये भाजपा का संकट खत्म होगा। और रही बात भारतीय जनता पार्टी के विकास की, तो अभी जो केंद्रीय मंत्री नरसिंहपुर में लड़ने आए हैं उनके पास फूड प्रोसेसिंग है, हमारे देवेंद्र पाठक जी बैठे हैं तो बिल्कुल बिल्कुल बताएंगे बताएंगे। हाँ, रोड नाली बनाना, रोड नाली बनाना नगर पालिका का काम है। मंत्री चाहते इस क्षेत्र में, हम नहीं कह रहे कि नरसिंहपुर में, होशंगाबाद में, जबलपुर में फूड प्रोसेसिंग एक आध यूनिट लगवा देते तो आप लोग क्या करवाएंगे जीते तो? हम जीते, हमने बताया हमारे पास प्लेन विधायक, प्लेन व्यक्ति, सीधा साधा किसान जीतने वाला है नरसिंहपुर से। जो SDM जे यहाँ भ्रष्टाचार बहुत है, ये जो कॉम्प्लेक्स बना है ये कांग्रेस की देन है। ऐसे हाँ बस मान यही बहुत सारे विकास के मुद्दों पे तमाम चर्चाएं हुई, दावे हुए, प्रति दावे हुए, लेकिन वास्तविकता यह है कि नरसिंहपुर को विकास की दरकार है। देखना ये होगा कि जिसे आम इंसान कहा जा रहा है, आम किसान कहा जा रहा है, या फिर जिसे एक सम्मानित और बड़ा चेहरा कहा जा रहा है, कौन जीतेगा। लेकिन उम्मीद यह है कि जो भी जीतेगा वो नरसिंहपुर की उम्मीदों को जरूर पूरा कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, धन्यवाद।